उसमें जो हमारा दूसरी का बच्चा है इस वक्त, वो इस वक्त पांचवीं का मैथ कर रहा है और एक हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है मैथ इन माइंड, सुप्रीम कंप्यूटर। अल्लाह ताला नाउज़ बिल्ला वो इंसाफ में कमी नहीं करते हैं। एक महल में बच्चा पैदा होगा या झोंपड़ी में पैदा होगा, अल्लाह ताला उसको सुप्रीम कंप्यूटर साथ देकर भेजते हैं। अभी यूज कौन करता है, उसको यूज करने की सहूलत कौन देता है? मैथ इन माइंड, जो सिंपल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एक एवरेज माइंड वाला अगर बंदा है, थ्रू मैथमेटिक्स उसकी आप इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं, थ्रू मैथमेटिक्स। सुप्रीम कंप्यूटर वो उठाए हुए फिर रहा है जो अल्लाह पाक ने उसको इशू किया है। मैथ इन माइंड, हम ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिखते, आपने खुद उस दिन देखा, और बच्चों का कहते हैं कि यू विल ओनली प्रिपेयर द आंसर एंड व्हेन वी विल से राइट डाउन द आंसर शो मी दिस रेट, वो जवाब दे सारे बच्चे एक साथ। पॉइंट और मैं हाईलाइट क्यों करूंगा, भूल ना जाऊं, जो बच्चे हमने लिए हैं, टीचर्स का टास्क है कि 30 बच्चे हैं, 30 के 30 बच्चे हमने तैयार करने हैं। लेकिन आपने वो जो क्लास 2 की एक बच्ची थी जिससे आपने साउथ ईस्ट एशिया का, वेस्ट एशिया का पूछा था, आपने सवाल ही गलत पूछा था और उसने जवाब फिर भी सही दिया था। आई मीन यू वर रॉन्ग एंड शी वाज राइट। आप हैरान होंगे कि जब मैं एफए करने के बाद कराची गया था तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का मुझे पता नहीं था। मेरे क्लास 2 के बच्चे टेंसेस पढ़ना शुरू कर देते और 2 वाले वालदेन पूछते रहते हैं कि मेरा बच्चा 2 में या 5 में, वो 5 का मैथमेटिक्स करता है। एक और हमने अपने सिस्टम में जो मॉडिफिकेशन की है, इंग्लिश मीडियम में क्लास 1 से सोशल स्टडीज, साइंस और इस्लामियात इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अभी वो इंग्लिश में होती है, जब वो सोशल स्टडीज आप अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, बच्चे ने अभी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ा ही नहीं है। इस्लामियात का जो पहला सबक है, मेरा क्लास 1 का या 2 का है, कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन मदीना ऑन सो एंड सो एडी, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का पैसिव वाइज। तो हम ये 3 मजमून 4th से शुरू करते हैं और क्लास 3 तक इंग्लिश, उर्दू और मैथमेटिक्स हम उनको 5वीं तक तैयारी कर देते हैं और ये जो गैप रहता है हम 4th में उसको कवर कर देते हैं। आप हैरान होंगे, मुझे हैरानी जिस बात की है वो ये कि जिस दिन मैं आपकी तरफ आया था तो सैटरडे था और वहां पे सारे बच्चे ये इंसिस्ट कर रहे थे कि संडे को भी क्लास होनी है। ये क्या साइंस है? हमारा आज भी जो टाइम है वो सुबह 8 बजे से 3 बजे तक है वर्किंग आवर्स। बच्चियों की तरबियत की बात कर रहे थे, हमने जो ये सिलेबस रखा है और जो हमने इसका मोटो रखा है वो है फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे तरबीत व तालीम, एक बाल का मिसरा जो है, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, इसके नतीजे में हमने रखा है तरबीत व तालीम। मेरी ये सोच है कि तालीम के बगैर तरबियत मुश्किल है, तरबियत के बगैर तालीम खतरनाक है। वाह वाह वाह, तालीम के बगैर तरबियत मुश्किल है, हो सकती है, लेकिन तरबियत के बगैर तालीम खतरनाक है। एक तालीम याफ्ता आदमी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अगर वो तरबियत याफ्ता नहीं है, और अगर तरबियत याफ्ता नहीं है और लेस एजुकेटेड है तो नुकसान कम पहुंचा। राइट, वो पता है ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं फैक्टा नॉन वर्बा, डीड्स नॉट वर्ड्स, एंड आई मीन हिज डीड्स स्पीक। मैं ये कहूंगा अगर कौम बनानी है तो टीचर्स बनाए, कौम टीचर्स के हाथ में है। वैसे मैं कहूंगा कि वो माँ बनाए जो सुलेमान की माँ है और वो जिस तरह अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी उसको एजुकेशन दिलाने के लिए, आई मीन अच्छी माएं हो जाएं तो हमारी पूरी कौम अच्छी हो जाएगी। हर फर्द की पहली यूनिवर्सिटी जो है वो माँ की गोद है। अगर माँ की गोद दुरुस्त है तो उसकी डायरेक्शन वहीं से दुरुस्त हो जाती है। Brigadier Javed Ahmad Satti Saab, when we come back from the break, we come back to him and find out what's the future of his schools. All of this after a break. Take a break.